हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू 91 व्हील्स। आई एम योर होस्ट यथार्थ एंड आज मैं आ गया हूँ ईवी एक्सपो पे, जो कि प्रगति मैदान पे 3 दिन से चल रहा है। और जो हम यहाँ पे पहला मॉडल कवर कर रहे हैं वो ईवी ट्रिक राइड स्कूटर है। इसकी कीमत 68,000 रुपीज़ है और इसके कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इसको और इलेक्ट्रिक व्हीकल से थोड़ा सा अलग बना देते हैं। सबसे पहले बात तो यह है कि देखा गया है कि आजकल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर बेसिकली रीबैज्ड चाइनीज प्रोडक्ट्स। उस पर एज सच मेक इन इंडिया वाला कुछ भी नहीं है, बट विद दिस थिंग्स आर डिफरेंट। इट इज़ क्लेम्ड दैट दिस इज़ एंटायरली डिजाइन एंड डेवलप्ड इन इंडिया। और अगर आप इसके डिज़ाइन की ही बात करें तो इट लुक्स क्वाइट प्रीमियम। इनफैक्ट क्लेम किया जा रहा है कि इसके जो फाइबर पैनल्स हैं दे आर ऑफ प्रीमियम क्वालिटी। और अगर हम फ्रंट एंड पर गौर करें तो एक बहुत ही स्लीक, एक बहुत ही सुंदर आपको यहाँ पे हेडलैम्प मिल रही है विद दीज एलईडी डीआरएल्स। इवन द हेडलैम्प बल्ब इज एलईडी, सो यू गेट वाइट लाइट। थोड़ा और अगर ऊपर बात करें तो थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक टच आ जाता है इसके हैंडल बार पे। आप देख रहे हैं यहाँ पे एल शेप्ड इंडिकेटर्स दिए गए हैं, बेसिकली ये भी एलईडीज हैं। सो बेसिकली फ्रंट से अगर हम इसके एप्रन की तरफ गौर करें और इसके फ्रंट एंड को देखें तो इट्स अ प्रीटी गुड लुक, इट लुक्स क्वाइट प्रीमियम। थोड़ा और पीछे की तरफ चलते हैं तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि इसमें आपको एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, तो काफ़ी स्पोर्टी सा लुक है इसका। यू गेट अ स्पीडो मीटर ओवर हेयर एंड यहाँ पे आपका बैटरी रेंज है, बेसिकली एम्प्टी और फुल नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज बैटरी ऑपरेटेड। आपको एच और एल मिलता है यहाँ पे हाई और लो चार्ज के लिए। और कुछ हाइलाइट्स की अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो सीट है वो 800 मिलीमीटर लंबी है। एंड ये भी क्लेम किया जा रहा है कि अपने सेगमेंट में इस प्राइस में जो ईवीज आ रही हैं उन सबसे बड़ी सीट है इसकी। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 190 मिलीमीटर है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप इसको स्पीड ब्रेकर के ऊपर से निकाल रहे हैं या किसी खड्डों में से निकाल रहे हैं तो नीचे इसकी जो अंडर बॉडी है वो स्क्रैप नहीं होगी। और भी कुछ हाईलाइट्स हैं इसका, जैसे आप फुटबोर्ड देख रहे हैं काफ़ी जगह है, तो बहुत ही इजीली आप यहाँ पे सामान वगैरह रख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। फिर अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसका जो रेंज है दैट इज़ 75 किलोमीटर्स ऑन अ फुल चार्ज। टॉप स्पीड इसकी सिर्फ 25 किलोमीटर पर आर है और इसको चार्ज करने में टोटल 3.5 घंटे लगते हैं। इसमें आपको एक 250 वॉट का मोटर मिलता है और इसमें एक रिवर्स फंक्शन भी है। तो ऑल इन ऑल इट सीम्स टू बी अ प्रीटी गुड प्रोडक्ट, स्पेशली बिकॉज अगर आपके ज़्यादा यूजेज नहीं है, अगर आपका दिन का 40-50 किलोमीटर या इनफैक्ट दिन के 60-70 किलोमीटर का ही यूज़ है अप एंड डाउन का, तो इंटर सिटी कम्यूट्स के लिए दिस कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। ऑलरेडी आपने देखा है कि पेट्रोल के दाम काफ़ी बढ़ चुके हैं, सो इलेक्ट्रिक में अगर हम थोड़ा बजट ऑफरिंग की बात करें सो दिस सीम्स टू बी अ प्रीटी गुड ऑप्शन। आपको ईवी ट्रिक राइड कैसा लगा वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यही नहीं, हमको फॉलो करते रहिए क्योंकि हम ईवी एक्सपो से अभी और भी काफ़ी अपडेट्स लेके आने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। मैं हूं आपका होस्ट सिद्धार्थ, फिर से मिलेंगे 91 व्हील्स के यूट्यूब चैनल पर।